क्लास सिक्स चैप्टर फाइव नेम इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप्स. नाउ न्यू एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज 5.2 एंटिटी क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट फ्रिक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज. ठीक है, तो मीन्स जो फ्रिक्शन है क्लॉक वाइज बताना है. क्लॉक वाइज मीन्स बिल्कुल सीधा चलना है. ठीक है, अगर एंटी क्लॉक वाइज बोलेंगे तो अपन अपोजिट जाएंगे. ठीक है, रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न टू व्हेन इट गोज फ्रॉम. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 3 to 9. 3 to 9 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसमें वॉच बनाएंगे, क्लॉक वाइज देखेंगे 3 to 9 कौन सा एंगल बन रहा है. तो मीन्स इसमें 3 to 9. ठीक है, तो ये देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ. ये क्लॉक है. ठीक है, तो इसमें कितने हैं 3 to 9. मीन्स पहले तो 3 से लेकर 9 तक, तो मीन्स यहाँ पे 3 to 9. ठीक है, तो मीन्स 3 से अगर 9 पर जाएंगे. ठीक है, मान लो 3 o'clock है और यहाँ पे 9, मतलब 3 से 9 तक ये बोला है, 3 से 9 तक जाएंगे. तो यहाँ पे ये देखिए कितना एंगल बन रहा है. मैंने आप लोग बताया स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 यहाँ हो या फिर डाउन साइड में हो. ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 होता है और टोटल होता है 360. ठीक है, तो यहाँ पे है इतना 3 to 9 जा रहा है, मीन्स यहाँ से लेके इतना घूम रहा है एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितने का एंगल बन रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं. बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, मीन्स स्ट्रेट लाइन आ रही है. अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो ये एंगल कितने का होगा, 180. ठीक है, तो बस यहाँ पे ये सिर्फ समझने के लिए बनाया है, आप लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. ओके, अब ए पॉइंट है 3 to 9. अब 3 to 9 है तो अब ये देखिए 3 to 9 कितना एंगल आ रहा है, 180 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 180 और अपॉन में क्या आना है, बिकॉज इसमें फ्रैक्शन बताना है. ठीक है, फ्रैक्शन बताना है इसमें, तो यहाँ पे 180 है. जितना 3 to 9 आ रहा है वो एंगल और अपॉन में क्या आएगा, टोटल एंगल. मीन्स 180 है और 180 है, 180 और 180 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 360. बिकॉज टोटल रिवर्सन कितना होता है, 360 होता है. डाउन में किया जाएगा 360. गोट इट, 360 आ गया. इसके बाद में इसको कट कर देंगे, 0 से 0 कट. ठीक है, 18 1 18 एंड 18 2 36. ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा, 1/2. फ्रैक्शन ही बताना था तो आंसर अपने कितना जाएगा, 1/2. ओके, नाउ बी पॉइंट इज 4 to 7. ठीक है, अब 4 to 7 डाउन में तो ऑलवेज क्या आएगा, बिकॉज जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल ऑलवेज तो होता है 360. ओके, क्योंकि टोटल रिवॉल्यूशन कितना है, 360 ही है. ठीक है, 360 होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है. ठीक है, ऑलवेज कहाँ कितना आएगा, 360. अब देखते हैं 4 to 7 कितना एंगल बन रहा है. अब इसमें देखिए 4 to 7, पहले तो ये समझिए, अगर अपन 90 एंगल बनाते हैं. ठीक है, अगर 90 एंगल किस तरीके से होता है, राइट एंगल इसी तरीके से होता है ना, तो इसमें मान लीजिए ये एंगल है इतना. ठीक है, ये क्या हुआ, राइट एंगल, ये राइट एंगल ही तो बना हुआ है, तो इसमें कितनी यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट. मीन्स 12 से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. अगर जहाँ भी आपको 3 यूनिट दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो 90 एंगल ही है. गोट इट, अब अपन आगे चलते हैं. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 to 7. ठीक है, 4 to 7, तो 4 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, और 7 कहाँ है, तो यहाँ है. यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे, तो अब आप यूनिट काउंट कीजिए कि क्या बन रहा है यहाँ पे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. ठीक है, बिकॉज मैंने बताया है आप लोगों के 1 यूनिट कितना एंगल बनाती है, सॉरी 3 यूनिट कितना एंगल बनाती है, 90 का एंगल. गोट इट, इतनी बात समझ आई. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जहाँ भी 3 यूनिट आप लोगों को इस तरीके से दिख जाएं, आप इस तरीके से देखेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3. अगर 3 यूनिट आ रहे हैं तो कितना एंगल है, 90 ही है. ओके, तो मीन्स 4 to 7 90 एंगल आ रहा है अपना, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 90 एंगल. ठीक है, उसको कट कर देंगे, 0 से 0 कट, 9 1 9 9 4 36. तो आंसर इज 1/4. गोट इट, नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट. सी पॉइंट इज 7 to 10. ठीक है, अब 7 to 10 देखते हैं हम. 7, तो यहाँ पे 7 पर बना लेंगे और 10 पर बना लेंगे. ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि कितने का एंगल है, मैंने आप लोगों को यूनिट काउंट करना बताई हुई है. तो 7 से 8 1 यूनिट एंड 2 यूनिट एंड 9 to 10 3 यूनिट. जहाँ भी 3 यूनिट आ जाए तो कितना एंगल होता है, 90 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 90
और अपॉन में टोटल कितना होता है 360 एंगल होता है। गोट इट? तो इसको कट कर देंगे, 0 से 0 कट, 9 वन जे 9, 9 फोर 36, दिस इज आंसर 1/4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डी, 12 to 9। ओके, अब इसमें बनाएंगे 12 to 9। ये देखिए 12, अब ये देखिए 12 to 9, यहाँ पे नहीं, यहाँ से घुमा के अपन ले जाएंगे, तो 12 to 9 यहाँ आया ना, ठीक है, 12 to 9 मीन्स 12, फिर उसके बाद में 9, तो मीन्स यहाँ से घूमकर 1 से स्टार्ट होगा या फिर अपोजिट होगा, उल्टा नहीं हो सकता, हमेशा सीधा ही होगा, तो एंगल ये नहीं रहेगा अपना, ये रहेगा एंगल, गोट इट? इतना एंगल अपन को लेना पड़ेगा, गोट इट? बिकॉज अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये कितना एंगल है, कैसे पता चलेगा ये बताइए, टोटल कितना होता है 360, टोटल होता है 360, ठीक है, यहीं पे मैं राइट कर देती हूँ ताकि आप लोग भी राइट कर सको, ठीक है, टोटल एंगल इज 360, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना है, आप लोग पता है कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट 90 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 माइनस कर देंगे ताकि ये पता चल जाए कि कितना एंगल आ रहा है, ठीक है, तो 360 में से 90 माइनस करेंगे 0, यहाँ 0 ही आएगा, ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 में से 9 माइनस करना है 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो मीन्स कितना एंगल आ रहा है 270, तो आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे इतना ये एंगल कितना है 270, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बार बार लेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 270 डिग्री, और अपॉन में टोटल कितना लेना है 360 ही लेना है, गोट इट? ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 27 अपॉन में 36, ठीक है, अब इसको कट कर देंगे 3 से, 3 वन ज 3, 3 टू ज 6, 3 9 ज 27, ओके, 3 3 ज 9 एंड 3 4 ज 12 एंड 3 अपॉन 4 आंसर, गोट इट? नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट 1 to 10। अब यहाँ पे देखिए क्या लेना है, यहाँ पे 1 to 10 लेना है, ठीक है, अभी समझिए कि 1 to 10 किस तरीके से कहाँ आएगा, पहले तो 1, ठीक है, 1 आया यहाँ पे, ठीक है, ये 1 आया, अब 10 यहीं से चल के यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बाद में 10 आया, ठीक है, यहाँ से उल्टा नहीं सही, यहाँ से जाएंगे तो ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूम कर यहाँ आया, ठीक है, अब ये पता करना है कि यहाँ पे कितना एंगल माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एंगल कितना है, ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 90, मीन्स 3 यूनिट कितना है 90 है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से लर्न रखना है आप लोगों को, 3 यूनिट 90 मीन्स वही कंडीशन जो मैंने अभी बताई हुई है, इसमें बताई हुई थी 360 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है, 270 अपॉन में 360, बिकॉज टोटल कितना होता है 360, वही कंडीशन है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, अब इसको भी कट कर देंगे 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12, बिल्कुल सेम आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, ओके, तो आंसर आ जाएगा 3/4, गोट इट? नाउ लास्ट पॉइंट इज एफ पॉइंट है 6 to 3, ठीक है, तो यहाँ पे एफ पॉइंट 6 to 3, ओके, 6 to 3 है, अब इसमें ये देख लेते हैं कि 6 to 3 कहाँ आ रहा है, ओके, 6 to 3, 6 कहाँ है, 6 ये है, ठीक है, 6 ये है, अब यहाँ से राउंड लगा कर जाएंगे तो 3 यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो मीन्स ये एंगल बन रहा है, तो अब ये देखते हैं कितना ये एंगल कितना है, 360 में से कितना माइनस करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, वही 3 यूनिट, ठीक है, वही 3 यूनिट माइनस करेंगे तो 270 ही आएगा, ठीक है, सेम कंडीशन में जो डी पॉइंट में किया हुआ था, ओके, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 270 अपॉन में टोटल 360, ठीक है, 0 से 0 कट, 3 1 3 एंड 3 2 6, 3 9 27, ठीक है, 3 3 9 एंड 3 4 12, यहाँ पे आंसर कितना जाएगा 3/4, ओके, दिस इज आंसर, एफ पॉइंट कंप्लीट,
एंड वन क्वेश्चन कंप्लीटेड. ओके, थैंक यू.